आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज इस असंग के मंगल सानिध्य में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल किले के सामने अयोध्या नगरी परेड ग्राउंड में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें भक्तों ने 14 दिसंबर को मोक्ष कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल किले के सामने अयोध्या नगरी परेड ग्राउंड में 9 दिसंबर से आरंभ हुए श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का समापन 14 दिसंबर को हुआ। आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज एवं मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य में आयोजित हुए मोक्ष कल्याणक पर भक्तों ने श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की। भक्तों ने विधानाचार्य जी के कुशल निर्देशन में मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर मोक्ष कल्याणक की पूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। प्रभु के मोक्ष गमन करने के बाद अग्नि कुमार देवों ने नख केश को अग्नि संस्कार के साथ विसर्जित किया। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आयोजक कमेटी की ओर से सभी प्रतिष्ठाचार्य एवं विशिष्ट अतिथिगण का तिलक लगाकर सम्मान किया गया। महोत्सव की समापन बेला में इंद्र इंद्राणियों ने विश्व शांति महायज्ञ के साथ हवन किया। विश्व शांति महायज्ञ के साथ सौभाग्यशाली भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को अपने सिर पर रखकर शोभा यात्रा के साथ नवीन वेदी एवं मान स्तंभ पर विराजमान किया। दिल्ली के अयोध्या नगरी परेड ग्राउंड में आयोजित हुए 6 दिवसीय श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में समग्र जैन समाज ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। जैन फोकस के लिए चांदनी चौक दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।